फिलहाल हम आ गए हैं एक्वेरियम, ये न्यू इंग्लैंड एक्वेरियम है और यहाँ पे है हमारा दूसरा स्कल्पचर। तो चलिए चल के देखते हैं और एक स्कल्पचर यहाँ पे। जैसे मैंने बोला अभी हम आ गए हैं एक्वेरियम, बोस्टन का हार्बर है और इसको लॉन्ग वॉफ भी कहा जाता है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं थोड़े बहुत छोटे क्रूज़ खड़े हैं। जी हाँ, यहाँ से वेल वॉचिंग के क्रूज़ निकलते हैं और आप यहाँ पे आके उन क्रूज़ पे वेल वॉचिंग को जा सकते हो। ये लाइक अराउंड $30 to $35 पर पर्सन रहता है। और इन केस अगर जब आप जाते हो तो आपको वेल वॉच नहीं होता है उस दिन, तो ये आपको फिर से टिकट देते हैं फ्री में कि आप नेक्स्ट टाइम आओ, और वो फिर आपको नेक्स्ट टाइम लेके जाएंगे और एक बार फ्री में वेल वॉच करने के लिए। इनकेस आप लोगों को नहीं पता है, न्यू इंग्लैंड जो रीजन है और ये मैसाचुसेट्स बोस्टन जो है, ये फेमस है अपने सी फूड के लिए। और आप मेरे पीछे देख सकते हो एक रेस्टोरेंट जिसका नाम है लीगल सी फूड। ये एक बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है सी फूड के लिए। अगर आप यहाँ पे आते हो और सी फूड आप खाते हो तो आप यहाँ पे आके ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो अभी मैं वॉक कर रहा हूँ उस आइस स्कल्पचर के सामने। जैसे कि मैं बोला था, इस बार का थीम है अंडर वाटर क्रिएचर्स या फ्रोजन एनिमल्स। इस बार यहाँ पे न्यू इंग्लैंड एक्वेरियम में टर्टल का स्कल्पचर बनाया हुआ है। तो चलिए चल के देखते हैं टर्टल का स्कल्पचर। आप ये देख मेरे पीछे देख सकते हो, अनफॉर्चुनेटली आज उतना क्लाइमेट कोल्ड नहीं है तो ये थोड़ा बहुत यहाँ पे पिघल रहा है। बट यहाँ पे पैम्पलेट है, मैं आपको दिखाऊंगा कि वो आइस स्कल्पचर एक्चुअली कैसे बनाया गया था वो पैम्पलेट में। Turtle, which is an endangered species of sea turtle. It's also the largest sea turtle that exists. They can grow to over 1,500 pounds, over 6 feet long. They occur in the Atlantic, the Indian, and the Pacific Oceans. And they eat jellyfish, which you can't really see them very well now, but we had beautiful jellyfish all over the sculpture. They only eat jellyfish. They can actually eat up to their body weight per day in jellyfish, which is pretty remarkable. And they can migrate across the entire ocean. So a turtle nesting in Indonesia can migrate all the way to the shores of California. ये थे न्यू इंग्लैंड एक्वेरियम के एक एम्प्लॉई जो यहाँ पे ठहर के लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। जैसे कि आपने सुना उन लोगों से, ये एक सी टर्टल है और ये जेलीफिश पे जीता है और ये बहुत लार्ज ग्रो हो सकता है। और ये जब रहता है अटलांटिक ओशन में तो ये अक्रॉस द वर्ल्ड ये ट्रैवल कर सकता है। फिलहाल अभी हम आ गए हैं वाटर फ्रंट पे। आप ये देख सकते हैं हमारे पीछे, ये जो आप पानी देख रहे हैं ये पूरा एक अटलांटिक ओशन है। ये एक छोटा सा झलक था जो न्यू इंग्लैंड एक्वेरियम के बाहर रखा गया है, सील व्यू। ये सब ओपन पब्लिक के लिए है, ये एक्वेरियम के अंदर नहीं है, बाहर रखा गया है। तो जब हम यहाँ पे आते हैं तो हम बाहर से ही ये सील को देख सकते हैं। अभी हम आए हुए हैं बोस्टन के हिस्टोरिक नॉर्थ एंड में। आप मेरे पीछे देख सकते हो, जो आप पीछे दिख रहा है वो पूरा नॉर्थ एंड है और बहुत ही हिस्टोरिक प्लेस है। वहाँ पे क्रिस्टोफर कोलंबस पार्क है। मैं अभी थोड़ी देर में उसका लाइटिंग दिखाऊंगा जब थोड़ा अंधेरा हो जाएगा। बहुत ही मैग्निफिसेंट सा व्यू रहता है। और ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं बोस्टन हार्बर विजिटर सेंटर है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो। और मैं अगर इस तरफ घुमाऊँगा थोड़े पीछे, जो आप ये कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं मेरे पीछे, हमको उसके अंदर जाना है। वहाँ पे है बोस्टन का द फेमस फैनुअल हॉल, जिसको क्विंसी मार्केट भी कहा जाता है। हम थोड़ी देर में उधर जाते हैं और आपको दिखाते हैं। फिलहाल अभी थोड़ी देर यहाँ पे बैठ गए हैं इस खूबसूरत नॉर्थ एंड के बीच। यहाँ पे चेयर डाला हुआ है। थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन अमेरिका के पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। जब आप अमेरिका आते हो तो
ऐसे बहुत ही कम शहर है जहाँ पे आपको एक बेहतरीन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा उपलब्ध है, और बॉस्टन शहर उनमें से एक है जहाँ पे ज़बरदस्त और बेहतरीन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे और एक आइस स्कल्पचर बनाया गया है, ये है लाइट हाउस, बहुत ही ज़बरदस्त। अभी हम पहुँच गए हैं क्विंसी मार्केट। आप मेरे पीछे देख सकते हो ये एक हिस्टोरिक लैंडमार्क है बॉस्टन शहर में, और ये जो आप क्विंसी मार्केट देख रहे हो, अगर जब हम अंदर जाते हैं तो बहुत सारे फूड स्टॉल्स हैं जहाँ पे हम जाके बहुत सारी फूड का आनंद उठा सकते हैं। मेनली यहाँ पे सी फूड बहुत फेमस है। ये जो क्विंसी मार्केट अभी हम ठहरे हैं, ये एक हिस्टोरिकल मार्केट है। जैसे कि मैंने बताया था, ये मार्केट अगस्त 1826 से यहाँ पे बॉस्टन के लोगों को सर्व कर रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये दो छोटे छोटे इग्लू हट बनाए गए हैं। एक तो ये यहाँ पे जब पैंडेमिक चल रहा था और सब आउटडोर डाइनिंग था, ये एक एक्स्ट्रा सेफ्टी थी जहाँ पे सिर्फ थोड़े लोगों को ही अंदर बिठा के डाइनिंग किया जा सकता था। और अभी जैसा यहाँ पे अभी न्यू इंग्लैंड में विंटर सीज़न है और विंटर बहुत ही एक्सट्रीम रहता है, तो ये जो इग्लूज़ है ये हीटेड भी है, आप इनमें बैठ के डाइनिंग कर सकते हो और इतनी ठंड में आउटडोर डाइनिंग का मज़ा ले सकते हो। फ़िलहाल हम अभी भी क्विंसी मार्केट में है और मेरे को एक ज़बरदस्त चीज़ दिखी है यहाँ पे, जो अभी मैं आपको दिखाऊँगा। ये जो डायनासोर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इस डायनासोर का नाम है स्पाइनोसरस। यहाँ पे डायनासोर का शो भी होता है, जहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के डायनासोर के बारे में आपको दिखाया जाएगा और बताया जाएगा। तो अभी हम आए हुए हैं क्रिस्टोफर कोलंबस पार्क में, ये नॉर्थ एंड में है, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक सुंदर सा कैनोपी बनाया गया है और पूरे कैनोपी के ऊपर ब्लू कलर की लाइटिंग, ज़बरदस्त। तो फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं हम लोग है अभी है क्रिस्टोफर कोलंबस पार्क नॉर्थ एंड में, और ये ब्यूटीफुल सा व्यू मेरे पीछे, एक कैनोपी बनाया गया है जहाँ पर ब्लू लाइट्स है, और पीछे आप देख सकते हो बॉस्टन के स्काई लाइन्स और उसके लाइट्स।
फिलहाल अभी हमें बॉस्टन कॉमन्स पार्क में और यहाँ पे आए हुए हैं और ये आज का हमारा लास्ट स्टॉप है। अभी यहाँ पे फायरवर्क्स होने वाले, हम लोग फायरवर्क्स देखेंगे न्यू ईयर सेलिब्रेशन का और फिर घर जाएंगे। हम आशा करते हैं कि आपका नया साल 2022 बहुत सुखमय हो, स्वास्थ्यमय हो और समृद्धिमय हो। यहाँ से बॉस्टन से मैं गौतम और ये पल्लवी गौतम वाशु ब्लॉग से आप सबको 2022 न्यू नए साल की बहुत शुभकामनाएं देते हैं। हैप्पी न्यू ईयर। तो फ्रेंड्स, अगर आपका ये आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारे इस चैनल को जिसका नाम है गौतम वाजपेयी ब्लॉग्स। और अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और मेरे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब बटन है उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, 2022 में हम फिर आपके साथ बहुत सारे नए वीडियोज़ लेके आएंगे अमेरिका से। एस्पेशली हम लोग मिलके बॉस्टन एक्सप्लोर करेंगे और आपको दिखाता हूँ मैं अपना शहर बॉस्टन। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, स्टे सेफ़।